हाँ तो मेरे हीरो, क्या हालचाल। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी आप लोग कर रहे होंगे। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ NCERT क्लास 9th है ना, मैथ का अध्याय 2 मैं आपको बताने वाला हूँ। और इसके अंतर्गत जो हमारे पास प्रश्नावली 2.4 है उसके हम प्रश्न को सॉल्व करने वाले हैं। ये हमारे पास पार्ट 2 रहेगा। पार्ट 1 में हमने क्या किया था, 1 से लेकर के 5 तक के प्रश्न को हमने सॉल्व किया था। अब ये पार्ट 2 में हम क्या करेंगे सर, तो वो 6 से लेकर के 10 तक के प्रश्न को हम सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो आइए हम क्या करते हैं सर, शुरू करते हैं। तो देखो मेरे भाई, ये जो क्वेश्चन सब अभी सॉल्व करने वाले, जितने भी क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे उसमें 2 सूत्र जो है ना मुख्य रूप से काफी ज्यादा आपके लिए यूजफुल रहेगा, उसी के यूज से ये सब सवाल बनेगा। पहला सूत्र ये है कि a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है। तो आप लिखेंगे ए क्यू और प्लस 3a² b प्लस 3ab² और प्लस बी क्यू, ये आप लिखेंगे। तो ये हमारे पास सूत्र है। इस सूत्र को ऐसे भी लिख सकते हैं, उलट पुलट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं भाई। ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a² प्लस 3ab², मतलब ऐसे भी लिख सकते हैं, बी क्यू के इधर भी लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इधर उधर हम कर सकते हैं, है ना। देखो देखो, याद करने का तरीका सब अलग अलग तरीके से याद करता रहता है। तो हम ऐसे लिख देंगे तो छोड़ा सब कहेगा कि सर जी गलती लिखे हैं। देखो ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, ए क्यू है ना प्लस बी क्यू, पहले लिख दो बी क्यू प्लस 3a² b प्लस 3ab², क्लियर। तो ये भी आप लिख सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है सर। अब दूसरा सूत्र ये है, a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है। इसको इसका सूत्र क्या होता है, तो आप लिखेंगे ए क्यू माइनस 3a² b है ना और प्लस 3ab² और माइनस के बी क्यू, ये हमारे पास सूत्र होता है। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत सर है ना। इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं भाई। ए क्यू पहले और ये माइनस के बी क्यू इधर लिख लो, बी क्यू और ये माइनस के 3a² b और प्लस के 3ab², तो ये भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, है ना। तो ज्यादा इधर उधर करने की जरूरत नहीं भाई। तो आपने देखा ये 2 सूत्र, इसी 2 सूत्र पे हम क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहां पे पहला प्रश्न है, क्वेश्चन का हेडिंग लाइन कह रहा था कि निम्नलिखित घनों को प्रसारित रूप से लिखिए, यानी सूत्र की मदद से आपको तोड़ना है। जैसे कि 2x + 1 का क्यूब है ना, घन है, तो आपको पता होना चाहिए ये हमारे पास a है और प्लस की ये हमारे पास b है, मतलब a की वैल्यू 2x है और b का मान 1 है। मतलब ये हुआ कि a प्लस बी के होल क्यूब पे जा रहा है। और a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है सर, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, क्योंकि हम जानते हैं कि a प्लस बी का होल क्यूब जो होता है ना, वो होता है ए क्यू प्लस 3a² b प्लस 3ab² और प्लस में बी क्यूब, ये हमारे पास सूत्र होता है। तो इसी पे हम क्या करेंगे सर, इसको ना तोड़ेंगे, है ना। तो आइए तोड़ते हैं, कैसे तोड़ेंगे सर, देखते रहिए। ए क्यू, तो a का मान क्या है सर हमारे पास, तो a का मान है 2x, तो हम लिखेंगे 2x, अब इसका करेंगे घन प्लस के 3 गुने में a² a के जगह पे हम क्या लिखेंगे 2x है, तो हम लिखेंगे 2x अब इसका स्क्वायर और गुने में b के जगह पे क्या है 1 है, तो हम लिखेंगे 1 और प्लस के 3 गुने में a हमारे पास कितना है 2x है, तो 2x और गुने में बी हमारे पास कितना है 1 प्लस बी क्यू हमारे पास क्या है 1 क्यूब। तो ये मैंने कर दिया, सूत्र पे रख दिया, अब कोई दिक्कत, हवट खुजली परेशानी नहीं ना मेरे भाई, नहीं होना चाहिए। 2x³ है, मतलब 2x को 3 बार मल्टीप्लाई करो, मतलब 2x × 2x और गुने में 2x इस तरीके से, तो 2 × 4 = 8 होगा। x में गुना करेंगे तो x³। अब कहोगे कैसे, कि देखो किसी भी, जैसे हमारे पास चर है उसके पावर 1 छिपा रहता है, इसके भी पावर 1 छिपा है, इसके भी पावर 1 छिपा है, तो चर और चर मतलब जो भी पद है, पद से अगर गुना करते सेम पद रहता है तो वो पद रह जाता है, घात जुड़ जाता है, तो एक घात, दो घात, तीन घात, तो टोटल हमारे पास 3 हुआ, x³। तो हम लिख देंगे 8x³ हमने लिख दिया, प्लस के 2x²
है ना, 2x² है, इसका मतलब क्या हुआ कि 2 × 2 = 4x² हुआ। अब 4x² से 3 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 12x² हो जाएंगे, 1 से गुना करेंगे तो वही बात है ना। आ प्लस में हमारे पास 3 × 6x हो जाएगा, आ प्लस में 1³ है तो हमारे पास 1 हो जाएगा, ये हमारे पास आ गया। अब कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत सर, तो ये आपने देखा, तो ये हमारे पास क्या हुआ सर, तो आंसर निकल करके आ गया, राइट। चलिए अब क्या करेंगे सर, अब जो करना है वो करिए ना, क्या दिक्कत है, हट रे। आंसर पहला आपने सॉल्व किया, इसी तरीके से दूसरा, ये a माइनस बी के होल क्यूब पे जाएगा। तो सर a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है वो मैं लिख देता हूं। देखो अगर आपसे कोई पूछे a माइनस बी का होल क्यूब, तो आप कहना क्या, ए क्यू माइनस बी क्यू, पहले लिख लो कोई दिक्कत नहीं, ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3a² b और प्लस में 3ab² ये सूत्र आप डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है। इधर उधर कर सकते हैं, ये माइनस बी क्यू को उधर रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना, जैसे लिखो वैसे कोई दिक्कत। अब a का मान ये है और ये b का मान, यानी a का मान है 2a और b का मान है 3b, क्लियर। तो a क्यूब मतलब ये हुआ कि 2a का घन हो गया, माइनस बी क्यू मतलब 3b का घन हो गया, है ना, ये हो गया हमारे पास। अब माइनस के 3a² मतलब 3 × a², तो a के जगह पे क्या है 2a, तो 2a हमारे पास क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, और गुने में b हमारे पास कितना हो जाएगा सर, तो b हो जाएगा 3b, दी रखा है तो 3b लिखो, है ना, हमने 3b लिखा। अब प्लस के हमारे पास क्या है 3ab² तो 3 × a हमारे पास कितना है सर, तो a हमारे पास है 2a, 3 है ना, 3ab², तो a के जगह पे 2a रख दिया, b के जगह पे हमारे पास 3b हो जाएगा, तो 3b और इसका कर दो स्क्वायर, मैंने कर दिया सर, है ना। अब क्या करेंगे सर, देख लो अब जो करना है वो करो अब, है ना सर। यहाँ पे लिखेंगे 2a³ है, मतलब 2a को 3 बार मल्टीप्लाई करो तो 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, 1³ होगा, राइट। माइनस 3b³ है, मतलब 3b को 3 बार मल्टीप्लाई करो तो 3 × 3 = 9, 9 × 3 = 27, b³ हो जाएगा। अब इधर माइनस की इधर 2a² है, तो 2a² अरे देखिए फ्रीज हो गया, बच गया, फ्रीज हो गया था, किसने फोन किया है ना, पापा कॉल किए, हेलो, हाँ पापा, अभी हम तो वीडियो बना रहे हैं, बोलिए ना, ठीक, हाँ। तो ये आपने देख लिया सर, अब यहां से क्या करेंगे सर, इसको तो मैंने सॉल्व कर लिया, 2a² गुने 3b और गुने में 3 है, तो इस सबको हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा हमारे पास, तो ये देखो 3 × 3 = 9, है ना, अच्छी बात है। 2a का स्क्वायर क्या हो जाएगा सर, 2a का होल स्क्वायर हमारे पास कितना हो जाएगा, तो 2 × 2 = 4a² हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4a², क्लियर। अब 4a² में 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 × 3 = 12, अब 12 में 3 से गुना करेंगे तो 12 × 3 = 36, 36 हो जाएगा a² है ना, 36a² b, ये हमारे पास हो जाएगा, है ना, ये हमारे पास आ गया 36a² b, है ना। आप प्लस हमारे पास क्या है, 3b² हमारे पास है, तो ये हो जाएगा 3 × 9 b² और गुने में इसको गुना कर लो ना, ये 2a है और गुने में 3 है, गुना कर लो 9 × 2 = 18, 18 × 3 = 54, तो हमारे पास हो जाएगा 54ab², मैंने सही किया कि नहीं, देख लो 3 × 6 3 × 9 = 9, 9 × 6 = 54, ठीक है 54ab², ये हमारे पास आ गया समझो आंसर, राइट। अब यहां से हम क्या करेंगे सर, जब ये आपने सॉल्व कर लिया तो अच्छी बात है ना, सॉल्व कर लिया तो हाँ, तो यहां से हम करेंगे आगे बढ़ेंगे सर, तो आगे बढ़ते हैं, लो दूसरा हमने सॉल्व कर लिया, तीसरा ये भी a प्लस बी के होल क्यूब पे ही है, तो a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, सूत्र लिख देते हैं हम यहाँ पे, a क्यूब होता है प्लस बी क्यूब होता है, ऐसे लिख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं, प्लस के 3a² b होता है और प्लस के 3ab² होता है, ये ना सूत्र होता है। अब इसी पे रखेंगे सर, a का मान ये पूरा है और ये b का मान है ना, तो इसी पे हम क्या करेंगे, रखते चलेंगे, a के जगह पे क्या है 3/2
एक्स है इसके पावर हमारे पास तीन हो जाएगा प्लस में, बी बी के जगह पे वन है तो वन के पावर तीन हो जाएगा प्लस में, थ्री गुने में ए स्क्वायर, आहा थ्री गुने में ए स्क्वायर है ना, थ्री गुने ए स्क्वायर है, रुक पहले कान में होना करने दे, आहा हा आनंद आ गया, अरे कभी कभी खुजली होने लगता है, कान में तिल्ली डालते हैं तो किसको सुख मिलता है, कान को कि तिल्ली को, कान को मिलता है, आहा चलो अच्छी बात है, ये हो गया ए क्यू हो गया बी क्यू हो गया प्लस थ्री ए स्क्वायर, तो ए के जगह पे तीन बट्टा दो है तो तीन बट्टा में दो हमने लिख दिया, और एक्स है तो एक्स इसका कर देंगे होल स्क्वायर, और गुने में बी, बी के जगह पे कितना है सर, बी के जगह पे वन है तो बी के जगह पे वन रख देंगे, प्लस में थ्री गुने में ए बी स्क्वायर है तो ए के जगह पे कितना है सर तीन बट्टा दो है तो तीन बट्टा दो है एक्स तो एक्स और गुने बी स्क्वायर मतलब वन का स्क्वायर, कभी कभी कह लो ऐसे हो जाते रहते कान में है ना, लो तीन बट्टा दो एक्स के पावर तीन है तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो हाँ तीन के पावर तीन है मतलब तीन को तीन बार गुना करेंगे तो तीन तीन नौ नौ तीन सताईस हो जाएगा, अब उसके बाद दो के पावर तीन है तो दो को भी तीन बार गुना करो तो दो दुना चार चार दुना आठ हो जाएगा, अब एक्स के पावर ये तीन रहेगा सब सेम गुना करेंगे तीन बार तो इतना आएगा, प्लस के वन के पावर तीन है तो वन हो जाएगा, अब इधर सॉल्व कर लो ना सर इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखो प्लस के तीन गुने में तीन का स्क्वायर हमारे पास नौ, दो का स्क्वायर चार और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, सबको गुना करेंगे एक को गुना करेंगे तो लिख लो कोई दिक्कत नहीं वही होता है, अब प्लस का हमारे पास है इसको सॉल्व करोगे तो क्या होगा, तीन तिहाई नौ बटा में दो एक्स और गुने में वन का स्क्वायर वन होता है, जब इसको और आगे सॉल्व करेंगे सर तो क्या होगा, ये तो हो जाएगा 27 बटा में 8 एक्स के पावर 3, अब देखो ये प्लस का एक है इस बात को ध्यान रखना, हम इस सबको सजा करके पहले लिख लेते हैं, ये जो प्लस का एक है ना इसको बाद में लिख लेंगे ठीक है, इसको पहले लिखते हैं 9 तिहाई 27, चलो प्लस के 9 तिहाई 27 और बटा में 4 एक्स स्क्वायर हमने लिख दिया, ये पूरा मैंने कर दिया, प्लस के 9 बटा में 2 एक्स हो जाएगा और ये प्लस का एक बच गया तो एक, ये हमारे पास आंसर निकल करके आ गया, अब कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत है वर्ड खुजली परेशानी नहीं, तो तीसरा आपने सॉल्व कर लिया सर है ना, अब हम क्या करेंगे सर आगे बढ़ेंगे है ना, चलो ये रहा चौथा सवाल, अब चौथा सवाल हम सॉल्व कर लेते हैं, हेलो 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 सब ठीक बा, हाँ ठीक बा, चलो तो हल करते हैं, क्या करेंगे सर ए स्क्वायर नहीं ए माइनस बी के होल क्यूब पे जा रहा है तो ए माइनस बी का होल क्यूब, ए माइनस बी का होल क्यूब है तो ए माइनस बी का होल क्यूब उसका सूत्र लिख दो ना सर, क्या होता है ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस थ्री ए स्क्वायर बी और प्लस के थ्री ए बी स्क्वायर, अब देखो मेरे भाई जब इसको हम सॉल्व करेंगे ए के जगह पे एक्स रखेंगे तो एक्स के पावर तीन हो जाएगा, माइनस बी है ना तो बी के जगह पे कितना रखेंगे तो बी के जगह पे दो बट्टा तीन है ना तो दो बट्टा में हम तीन रख लेंगे, वाई है तो वाई और इसका होल के इसके पावर तीन कर देंगे, माइनस थ्री गुने में ए स्क्वायर, ए के जगह पे एक्स है तो एक्स स्क्वायर गुने में बी, बी के जगह पे कितना है दो बट्टा में तीन वाई है तो वाई, ये मैंने लिख दिया है ना, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे सर प्लस का करते हैं थ्री ए बी स्क्वायर तो थ्री गुने में ए बी स्क्वायर है तो ए, ए के जगह पे कितना है सर ए के जगह पे यहाँ पे देख सकते हो ए के जगह पे एक्स है तो ए के जगह पे एक्स रख देंगे और गुने में बी के जगह पे कितना है सर तो बी के जगह पे दो बट्टा तीन है तो दो बट्टा में तीन वाई और इसका कर देंगे स्क्वायर तो हमने स्क्वायर कर दिया है ना, तो आइए एक्स के पावर तीन है तो एक्स के पावर तीन लिख दो ना, अब माइनस के दो बट्टा तीन वाई के पावर तीन है तो दो का जब घन करेंगे तो कितना होगा दो दुना चार चार दुना आठ हो जाएगा, दो दुना चार चार दुना आठ
तीन का घन करेंगे तो 3 × 3 = 9, 9 = 27, ये हो जाएगा वाई के पावर 3, ये मैंने कर दिया। अब यहाँ से कुछ कटने वाला है तो काट दो सर, ये 3 से 3 कैंसिल है ना, और 3 से 3 कैंसिल कर देंगे, काम कर रहे हैं। चलो यहां से ये हो गया 2/3, ठीक है ये मैंने कर दिए, हाँ कर दिए तो कर दिए। अब क्या बचा, अब बच गया सर x², ये y है ना, तो मैंने कुछ गड़बड़ किया क्या, माइनस 2x² y यही ना बचा, ये मैंने कर दिया, और प्लस के हाँ बोलिए ना, हम एक वीडियो शूट कर रहे हैं, थोड़ी देर में बात करें। अच्छा अच्छा ठीक, हाँ तो आइए आगे देखते हैं क्या हुआ। आप कहाँ रहते हैं, हम कहीं खो जाते रहते हैं समझे। 2x² y प्लस का, इसमें देखो 3 लिखेंगे, गुने में x लिखेंगे, और गुने में 2 का स्क्वायर कितना 4, और 3 का स्क्वायर कितना 9, और ये रहेगा y². अब काटने वाला है तो काट दो ना सर, 3 × 9 ये मैंने काट दिया, चलिए अच्छी बात है। अब लिख लो सर क्या लिखेंगे, x³ −8/27, y³ −2x² y, और प्लस का इधर क्या हो जाएगा सर, तो ये हो जाएगा 4xy² है ना, 4xy² हो जाएगा। तो ये हमारे पास, अच्छा अच्छा कुछ छूटा नहीं ना, देखो 3 × 3 = 9 काटे थे तो बट्टा में 3 होगा ना, 4xy² / 3 छूट जाएगा, तो देख लेना कोई दिक्कत नहीं, कैलकुलेशन वही है, ये हमारे पास आंसर आ गया है ना। चलो तो हमने इसको भी सॉल्व कर दिया चौथा को, आइए आगे बढ़ते हैं सर। सातवा प्रश्न है, साथ में यहाँ पे टोटल 3 प्रश्न दिए गए हैं, कहता है कि उपयुक्त सर्व समीकरण प्रयोग करके निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए, ये कैसे सॉल्व कर सकते हैं, जैसे कि 99 की पावर 3 है, तो इसको सॉल्व करने के लिए आप ये करो कि अगर 100 में से 1 घटा देते हो, 100 में से यदि 1 घटा देते हो तो 99 आएगा, और इसके पावर 3 है तो 3 कर दो, तो ये हो गया a − b³। डायरेक्ट ये नहीं करना है कि 99 से गुना कर देना, 99 × 99 × 99, 3 बार गुना कर देंगे तो आंसर तो आ ही जाएगा, लेकिन हमें सर्व समीका का उपयोग करके ही बनाना है, ठीक है। तो हम 100 में से पहले 1 घटा देंगे तो 99 होता है, और इसके पावर 3 है तो 3, ये हो जाएगा a − b³ पे। तो a − b³ क्या होता है सर, तो वो होता है a³ है ना, और a³ − b³ − 3a²b और प्लस 3ab², ये होता है। तो इसी पे हम ना इसको सॉल्व करेंगे, a³ है मतलब 100 का क्यूब करेंगे, 100 के पावर 3, −b³ मतलब 1 के पावर 3 करेंगे, और −3 × a², a के जगह पे कितना है 100, तो 100 का स्क्वायर करेंगे, और गुने में बी हमारे पास कितना है 1 है, तो 1 लिखेंगे, और प्लस में 3ab² था, 3 × a के जगह पे है 100 लिख दीजिए, और गुने में b² मतलब 1 का स्क्वायर हो जाएगा, करेक्ट। जब हम इसको सॉल्व करेंगे, 100 के पावर 3 है मतलब ये हो जाएगा 2 × 2 = 4 × 2 = 6, ये हमारे पास आएगा। 100 के पावर 3 का मतलब ये हुआ कि 100 को 3 बार गुना करो, 100 × 100 × 100, तो तरीका यही है कि 1 है तो 1 लिख दो, 3 बार करना है ना, तो 0 कितने हैं, 2 0 है, तो 2 0 का 3 गुना कर दो, 6 को 0 होगा है ना, तो 6 को 0 रख दो, 100 को गुना करेंगे इतना तो इतना आएगा। अब यहां से हम क्या करेंगे, माइनस से, तो −1 की पावर 3 मतलब 1 को 3 बार गुना करेंगे तो 1 ही होता है ना, ये तो सब जानते हैं। 100 का स्क्वायर कितना होगा, तो जैसा कि 1 है ना, तो आप क्या करो 1 लिखोगे है कि नहीं, 0 है यानी 2 को 0 है, 2 को 0 का 2 ना कर दो, 4 को 0 बैठा दो, 100 का स्क्वायर मतलब यही हुआ, तो मतलब 1 पर 4 को 0 होगा, और 1 पर 4 को 0 से 3 में गुना कर दो है ना, तो हमारे पास क्या होगा, −3 पर 4 को 0,
ये आ गया, इसमें गुणा करके देख लेना यही आएगा। ये सब भी सिखाने की जरूरत नहीं है, सब तो आना ही चाहिए सबको। अब ये इसको गुणा करेंगे प्लस का, तो ये 300 हो जाएंगे। तो हमने 300 कर दिया। लो अब क्या करो सर, आप देख रहे हो, क्या देख रहे हो, हम क्या करेंगे, ये जो आप देख रहे हैं इकाई दहाई सैकड़ा हजार दस हजार लाख दस लाख, एक लाख में से हम क्या करेंगे 30,000 को घटा देंगे पहले, है ना। घटाने के बाद 300 जोड़ देंगे और उसमें से फिर एक घटा देंगे। ऐ तरीके बदमाशी करता है। तो आइए हम इसमें से घटाते हैं, 1000000, दो दो चार दो छः, छः को जीरो हो गया ना, दो दो चार दो छः। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, घटा देंगे तीन पर चार को जीरो, तो एक जीरो दो जीरो तीन जीरो चार जीरो और ये रहा तीन। घटा दो सर ना, तो घटा देते हैं, घटा देंगे तो हमारे पास जीरो हो जाएगा, ये जीरो जीरो जीरो, दस में से तीन गया तो सुनते हैं कि सात होता है, तो ये बचा नौ, तो ये नौ लिख दो, इतना आया। अब इतना में से ये तो हम घटा दिए 30,000। अब क्या करेंगे सर, 300 में से एक पहले घटा लो, तो कितना 299। अब 299 हम क्या करेंगे, इसमें जोड़ देंगे, तो 299 जोड़ दो सर, तो जोड़ देंगे तो ये 9 9 2 0 7 9, ये हमारे पास आंसर आ गया। तो हम इसको लिख देंगे 970299, ये हमारे पास आंसर आ गया सर। अब कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत हाँ, चलिए पहला तो हो गया ना, इसी तरीके से दूसरा प्रश्न सॉल्व करते हैं। ये 102 के पावर 3 है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 102 के पावर 3 को हम 100 और प्लस के 2 लिख सकते हैं, इसके पावर हम 3 कर देंगे। अब ये a प्लस बी के होल क्यूब पे गया सर, तो a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, वो होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² b और प्लस 3ab² ठीक है। तो मेरे भाई हम क्या करते हैं, यहां से a, a हमारे पास कितना है 100, तो 100 इसके पावर 3 कर देंगे, है ना, और उसके बाद प्लस बी क्यूब, तो प्लस 2 के पावर 3 कर देंगे, है ना, और प्लस 3a² b, तो 3 गुने में a² a के जगह पे 100, तो 100 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा सर, इतना ही होगा, आए हाँ नाइन्थ का है, 3 गुने में इतना हो गया हमारे पास, और गुने b हमारे पास कितना है सर, b हमारे पास 2 है तो 2 लिखेंगे, हमने लिख दिया। आप प्लस का 3 गुने में ab² तो a के जगह पे हमारे पास 100 है, और गुने में b² मतलब 2 का स्क्वायर 4 कर देंगे, b के जगह पे 2, 2 का स्क्वायर 4, हमने यहाँ पे डायरेक्ट किया, यहाँ पे भी डायरेक्ट कर दिया, 3a² b था तो a के जगह पे 100, 100 का स्क्वायर कर दिए तो कितना 10,000 हो गया, है ना, ये मैंने कर दिया था। अब यहां से क्या करो, 100 के पावर 3 मतलब 1 पर आप क्या करो 6 गो रख दो, 0 उतना हो जाएंगे, 2 2 4 2 6 गुना कर लेना, इतना ही होगा। प्लस में 2 के पावर 3 है, इसका क्या होगा, 2 2 4 4 2 8 हो जाएंगे, इन सभी को गुना करेंगे तो 2 3 6 6 हो जाएगा, 6 पर 4 गो 0 हो जाएंगे, ये मैंने कर दिया। अब प्लस के यहाँ पे क्या करेंगे, 4 3 12 और 0 हो जाएंगे, 4 3 12 0, ये हमारे पास आ गया। हेलो हेलो हेलो, बैटरी अब डाउन होने वाला है मेरा, अब कुछ नहीं कीजिए, कैसे भी तो एक पॉइंट है, चल जाना चाहिए, तो बीच में साउंड खत्म हो जाएगा। हाँ सबको जोड़ दो ना सर, आइए जोड़ते हैं, पहले ऊपर का लिख लो, 2 2 4 2 6, 2 2 4 2 6 हो गया। अब इसमें 2 2 4 और ये रहा 5 6 लिख दो यहाँ पे। अब बच गया कौन, 1200, 0 0 2 और 1 1200, अब बच गया कौन 8, तो 8 लिख दो और सबको ऐड कर दो। लो ये हो जाएंगे 8, ये हो जाएंगे 0, ये हो जाएंगे 2, ये हो जाएंगे 1, ये हो जाएंगे 6, ये 0 और ये 1, ये हमारे पास आंसर आ गया। तो सर लिख देते हैं 1061208, ये हमारे पास आ गया आंसर। तो आपने इसको भी सॉल्व कर लिया। अब क्या करेंगे सर, ये प्रश्न है देखो, 998 के पावर 3 है, मतलब इसको क्या लिख सकते हैं, आप लिखो 1000,
1000 में से अगर 2 घटा देंगे तो 998 हो जाएगा, अब पावर 3 कर दो। अब इस प्रश्न को होमवर्क देते हैं, आप लोग सॉल्व कर लेना उसी तरीके से, a माइनस बी के होल क्यूब पे इसको तोड़ना, आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, कमेंट करके बताना कि सर कितना आंसर आया, तो इतना आया, ठीक है ऐसे बोलना। निम्नलिखित में से प्रत्येक का गुणनखंड कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, हम गुणनखंड कर लेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं इसको गुणनखंड करना है, कैसे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं सर? तो इसे सॉल्व करने का तरीका यह है कि आप क्या करो सर, जो करना है करो ना। 8 a के पावर 3 है, मतलब इसको अगर क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ए क्यू के फॉर्म में लिखना होगा, तब जैसे प्लस प्लस में है तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a² भी प्लस 3ab² उसके रूप में इसको तोड़ दो पहले, है ना। तो आइए हम तोड़ते, ए क्यू मतलब 2a का होल क्यूब कर देंगे, इसको तोड़ोगे तो इतना ही आएगा, प्लस बी क्यू तो बी क्यूब कर देते हैं, अब प्लस सूत्र क्या होता है 3a², तो ए के जगह पे हमारे पास क्या है 2a है, तो 2a² तो 3a² b, तो b हमारे पास कितना है, b ही दिया गया तो b, अब प्लस 3 × ab² तो a के जगह पे 2a है तो 2a और गुने में 3ab² मतलब b हम रखेंगे, हमने यहाँ पे रख दिया। अब कोई दिक्कत, 3ab² है तो b² कर दो सर, ये सही रहेगा। तो अब देखो सर ये सूत्र पे टूटा, इन सब को तोड़ो तो इतना ही आएगा, कितना इतना ही आएगा, देख लो ना, इसको तोड़ेंगे तो 8a³, इसको तोड़ेंगे तो बी क्यू, और इसको तोड़ेंगे यहां से लेकर के यहां तक तो 12a² b हो जाएगा, और इसको तोड़ेंगे तो 6ab² होगा। तो मतलब ये किस सूत्र पे टूटा है, सूत्र है a³ + bq + 3a² b + 3ab², ये सूत्र किसका होता है, किसके बराबर होता है, तो a+b³³ के बराबर होता है, किसके बराबर होता है सर, तो a+b³³ के बराबर होता है। तो a के जगह पे हम कौन सा मान रखेंगे, a के जगह पे रखेंगे 2a, और प्लस में b के जगह पे कौन सा मान रखेंगे, तो b ही दिया गया, b के जगह तो b रखेंगे, इसका कर देंगे होल क्यूब, यही हमारे पास आंसर हो गया। इसको चाहे तो 3 बार लिख सकते हैं, 2a+b × 2a+b × 2a+b, यही हमारे पास आंसर निकल करके आ गया, राइट। चलिए सर आपने इसको सॉल्व कर लिया पहला प्रश्न, इसी तरीके से हम क्या करते हैं सर, आगे बढ़ते हैं, यानी अगला प्रश्न, यानी दूसरा प्रश्न, इसको भी सॉल्व करो। तो आपको ये नजर आएंगे a³ − bq − 3a² b + 3ab² पे जाएगा, तो a³ − bq − 3a² b + 3ab² बराबर क्या होता है, तो a-b³ होता है, है ना। तो सबसे पहले तो इसको उस फॉर्म में लिख लो, a³ − bq − 3a² b + 3ab², उसके फॉर्म इसको लिख लो पहले। तो ए क्यू तो भाई 8a³ है, तो ए क्यू के फॉर्म में क्या लिख सकते हैं इसको, इसको लिख सकते हैं 2a³ माइनस बी क्यू, तो यहाँ पे बी क्यू लिख दो, है ना, a³ − bq माइनस 3a² b, तो 3 × a², तो ए के जगह पे 2a है तो 2a² और गुने में बी, बी के जगह पे हमारे पास क्या है 3a² b, बी के जगह पे हमारे पास है बी ही दिया है तो बी लिखेंगे, है ना। आप प्लस के 3ab² तो ए के जगह पे हमारे पास कितना है 2a, तो 2a³ बी के जगह पे कितना है b² ही लिखेंगे। अब देखो ये सब को तोड़ोगे तो इतना आ जाएगा, तो ये सूत्र किसके है, a-b³ को सेटिस्फाइड कर रहा है, है ना। तो a-b³ पे जा रहा था, a के जगह पे कितना 2a है, अब माइनस b के जगह पे कितना b है इसका होल क्यूब, इसको 3 बार लिख दो सर, आंसर निकल के आ जाएगा, यानी 2a-b × 2a-b × 2a-b, यही हमारे पास आंसर आ जाएगा, क्लियर। अब कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत सर, चलिए आगे बढ़ते हैं सर। दूसरा आपने सॉल्व कर दिया, ये रहा तीसरा, ये भी जाएगा a³ − bq − 3a² b और +3ab² पे, उसी पे जाएगा, तो उसके रूप में आप इसको तोड़ लो ना सर, ए क्यू मतलब 3 का³ कर दो, a के जगह पे 27 है ना, इसका कर दो, ए क्यू के फॉर्म में लिखेंगे तो 3 का³ कर दो, 27 आ जाएगा, 125 को क्या लिख सकते हैं 5a³ उतना आ जाएगा, है ना। तो a³ − bq हो गया माइनस
थ्री ए स्क्वायर, तो एक जगह पे तीन है, तीन का स्क्वायर करो, थ्री ए स्क्वायर गुने बी, तो बी हमारे पास है पांच ए, तो पांच ए। अब इन सबको गुना करोगे तो देखो माइनस के 135 आएगा, है ना। देखो तीन का स्क्वायर कितना हो जाता है, नौ हो जाता है। नौ से तीन में गुना करेंगे तो नौ सत्ताईस, सत्ताईस से पांच में गुना कर दो तो 135 हो जाएंगे, ठीक है। तो थ्री ए स्क्वायर बी प्लस थ्री ए बी स्क्वायर, तो ए ए हमारे पास कितना है, थ्री ए बी स्क्वायर, तो ए हमारे पास कितना है सर, ए हमारे पास है सर दिया गया तीन, थ्री ए बी स्क्वायर, तो ए के जगह पे तीन और गुने में बी स्क्वायर, बी के जगह पे पांच ए का होल स्क्वायर, ये हो गया। तीन का क्यूब है, सब तो आ गया, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस थ्री स्क्वायर बी और प्लस थ्री ए बी स्क्वायर पे उस पर गया, तो इसका सूत्र क्या होता है, ए माइनस बी का होल क्यूब होता है, यही ना होता है। तो ए के जगह पे मान रखेंगे और बी के जगह पे मान, ए के जगह पे तीन है और बी के जगह पे पाँच ए है, इसका कर देंगे होल क्यूब। इसको तीन बार लिख दो, थ्री माइनस के पाँच ए इंटू थ्री माइनस के पाँच ए और इंटू थ्री माइनस के पाँच ए, यही हमारे पास सर आंसर हो गया, राइट ना। तो आपने इसको भी समझ लिया, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत सर। तो तीसरा आपने समझा, आइए आगे बढ़ते हैं, इस प्रश्न को सॉल्व करो, ये भी उसी पे जगह है, ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस थ्री स्क्वायर बी या प्लस थ्री ए बी स्क्वायर पे ही जाएगा, तोड़ के देख लो सर कैसे तोड़ेंगे। आप देखो पहला, ये चौंसठ ए के पावर तीन है, इसको ए क्यू के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, चार ए का होल क्यूब लिख सकते हैं, ए क्यू हो जाएगा, इसको गुना करेंगे तीन बार तो उतना ही होगा, चार चौके सोलह, सोलह चुका चौसठ, है ना। माइनस बी क्यू के फॉर्म में तो मतलब इसको क्या लिख सकते हैं, सताइस है तो तीन लिख दो, तीन तीन नौ, नौ तीन सताइस, थ्री बी का होल क्यूब, है ना, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। अब माइनस थ्री ए स्क्वायर बी, तो थ्री ए स्क्वायर, तो एक जगह पे कितना है सर, थ्री ए स्क्वायर बी, एक जगह पे है चार ए, है ना, तो चार ए का स्क्वायर करो और गुने में बी, बी के जगह पे है थ्री बी, इसको तोड़ो, इस सबको गुना करो तो इतना ही आएगा। देखो चार का स्क्वायर सोलह, सोलह तीन तिहाई नौ, तो सोलह नमा कितना हो जाएगा, 144 आ ही जाएगा, है ना, तो इतना आ गया। और प्लस के थ्री ए बी स्क्वायर होता है, तो ए ए के जगह पे है फोर ए और गुने में बी स्क्वायर मतलब थ्री बी स्क्वायर, ये हो गया, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। तो ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस थ्री स्क्वायर बी प्लस थ्री ए बी स्क्वायर पे गया, तो इसका सूत्र क्या होता है, ए माइनस बी के होल क्यूब होता है, तो ए माइनस बी के होल क्यूब, तो ए हमारे पास है चार ए और माइनस बी हमारे पास कितना है थ्री बी और इसका कर देंगे होल क्यूब, है ना। इसको हम कर देंगे तीन बार, लिख देते हैं चार ए माइनस के थ्री बी इंटू चार ए माइनस के थ्री बी, है ना, इंटू चार ए माइनस के थ्री बी, यही हमारे पास आंसर आ जाएगा, करेक्ट ना। तो आपने इसको समझ लिया सर, अब क्या करेंगे सर, अब कुछ मत कीजिए, ये आपने सॉल्व कर लिया ना, तो आगे बढ़ते हैं। पांचवा देख लो, पांचवा इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ये भी सिंपल है, इसको बना दो ए क्यू, इसको बना दो बी क्यू, इसको बना दो माइनस थ्री ए स्क्वायर बी और इसको बना दो प्लस थ्री ए बी स्क्वायर, सिंपल। तो इसको उस रूप में ढाल दो तब ना हम इसका सूत्र निकाल देंगे, कहेंगे ए माइनस बी क्यू होता है इसका, है ना। तो चलो लिखेंगे क्या सर, ए क्यूब, इसके ए क्यू के फॉर्म में लिखना है, तो ए क्यू के फॉर्म में लिखने के लिए हम क्या लिखेंगे, थ्री पी का होल क्यूब, देखो इसको तोड़ेंगे तो उतना आएगा, माइनस बी क्यू मतलब एक बट्टा छ का होल क्यूब कर दो, इसको तोड़ोगे तो इतना आएगा, ए क्यू माइनस बी क्यू हो गया। अब माइनस थ्री ए स्क्वायर भी, तो थ्री अपना मन से दे रहे हैं सूत्र में होता है, इसलिए थ्री गुने ए स्क्वायर, तो ए के जगह पे है थ्री पी, तो थ्री पी का स्क्वायर कर दो, है ना, और गुने में थ्री ए स्क्वायर और बी, बी के जगह पे कितना है एक बट्टा छ, तो एक बट्टा छ रख दिया, आप प्लस में थ्री थ्री ए बी स्क्वायर, है ना, थ्री ए बी स्क्वायर, तो थ्री ए बी स्क्वायर होता है ना, तो थ्री गुने में ए, ए हमारे पास कितना है सर थ्री पी है, तो लिखेंगे थ्री पी, तो थ्री ए बी स्क्वायर, बी के जगह पे कितना है एक वट्टा में छ इसका स्क्वायर,
हाँ ठीक है, सब ठीक है। तो सबको तोड़ लो तो उतना ही आएगा, देखो इसको तोड़ोगे तो उतना ही आएगा, इसको भी तोड़ोगे तो माइनस के 9/2 P² आएगा। तोड़ के देख लेना कैसे, जैसे 3 × 2 = 6 काट दोगे तो 2 आएगा, और ऊपर 3P² यानी 3×3 = 9 P² हो जाएगा बट्टा में 2, सिंपल। तो उतना ही आएगा, इसको भी तोड़ोगे तो उतना ही आएगा। तो a³ - bq - 3² b + 3ab² को सेटिस्फाइड कर रहा है। तो आपको पता होना चाहिए कि a³ - bq है ना, अब -3a² b और +3ab² ये किसके बराबर होता है सर? तो ये होता है a - b² होल क्यूब के बराबर होता है, इसी के ना बराबर होता है। तो इतना के रूप में हम इसको तोड़े हैं, अब इतना को इतना के रूप में ढाल देना है। तो a का मान क्या है? 3p है, यहाँ पे a के जगह पे 3p रखेंगे, और माइनस b के जगह पे कितना है? 1/6 रखेंगे और इसका कर देंगे होल क्यूब। 3 बार लिख दो, 3p माइनस के 1/6 इंटू 3p माइनस के 1/6 और इंटू 3p माइनस के 1/6, यही हमारे पास आंसर आ गया, करेक्ट ना? तो आपने इसको सॉल्व कर लिया सर, अब कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत, चलिए अब हम क्या करेंगे, पांचवा सॉल्व कर लिए, नौवा प्रश्न है। तो नौवा को कैसे सॉल्व किया जाएगा सर? आए, ये तो बड़ा आसान है सर, कैसे सॉल्व किया जाएगा? देखिए नौवा है, सत्यापित कीजिए कि क्या ये इसके बराबर होता है और ये इसके बराबर होता है। ये तो बड़ा सिंपल है, हम क्या करेंगे सर, देखो ये दोनों को सत्यापित करना है। तो ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये हमारे पास राइट हैंड साइड है ना, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड है। तो मेरे भाई हम चलते हैं राइट हैंड साइड से, तुम यहाँ पे लिखेंगे राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड क्या है हमारे पास? एक्स प्लस के वाई इंटू x² - xy + y² है, यही ना है? तो मेरे भाई इसका मतलब ये हुआ कि x से इन सभी में गुना, फिर y से इन सभी में गुना कर दो। तो आइए गुना करते हैं, x से x² में गुना करेंगे तो x के पावर कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। माइनस में x से गुना करेंगे xy में तो माइनस के x² y हो जाएगा, गुना कर रहे हैं। फिर x से y² में गुना करेंगे तो प्लस के हो जाएगा xy², हमने गुना कर दिया। उसी तरीके से y से इन सभी में गुना करो, y से x² में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? प्लस के x² y हो जाएगा। फिर y से माइनस xy में गुना करेंगे तो कितना होगा? माइनस के x y² हो जाएगा। फिर y से y² में गुना करेंगे तो कितना होगा? y के पावर 3 हो जाएगा, है ना? y से y² में गुना करेंगे तो y के पावर 3, ये मैंने गुना कर दिया सर। अब क्या करेंगे सर, यहां से देख लो, ठीक है, जो कटने वाला है काटो। माइनस x² y है, इधर प्लस x² y है, चिरा सी चिला कट गया। अब हम देख रहे हैं कि प्लस के x² y है, x² है और माइनस के x² ये कट जाएगा। तो हमारे पास आया x के पावर 3 और प्लस के y के पावर 3, और यही तो लेकर के आना था, ये तो आ गया, है ना? तो हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड प्रूफ, ठीक है? तो हमने इसको भी सॉल्व कर लिया। उसी तरीके से अब मैं आपको दूसरा प्रश्न जो है होमवर्क देता हूं, HW, है ना? क्यों? क्योंकि आपको वही सेम ऐसे ही सॉल्व करना है, x से इन सभी में गुना कर लेना है, फिर माइनस के y से इन सभी में गुना कर लेना है। जब गुना उना करके काटोगे फाटोगे तो इतना ही आएगा x³ - y³, कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत मेरे भाई, तो आपने इसको समझ लिया है ना? तो दिक्कत है तो दिक्कत होगा, है ना? दिक्कत होना नहीं चाहिए, है ना? हो प्यास वास लगी है मालूम है? अगर प्यास लगी है तो क्या करना चाहिए सर जी? अरे सर पानी कहाँ है वो? बिजली आई, हाँ। इसको आप कैसे तरीके, इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं सर? ये देखो, ये a³ - bq पे जाएगा,
है ना, क्या जाएगा सर, ए क्यू माइनस बी क्यू पे जाएगा, तो ए क्यू माइनस बी क्यू पे ही हम इसको तोड़ेंगे, है ना। लेकिन यहाँ पे प्लस है, ई है ए क्यू माइनस बी क्यू, उस पे जाएगा, है ना, तो ज्यादा इधर उधर तकना नहीं है। चलिए ए सब पी जाई छा हो, कम से कम रोए दो। इसको ए क्यू के फॉर्म में लिखेंगे तो थ्री वाई के पावर तीन लिख सकते हैं, आ प्लस इसको बी क्यू के फॉर्म में लिखेंगे तो पांच जेड के पावर तीन लिख सकते हैं। तो ये ए क्यू प्लस बी क्यू पे गया, तो भाई मेरे ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर क्या होता है, तो वो होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी आ प्लस बी स्क्वायर, है ना। इसी पे हम क्या करेंगे सर, इसको हम सॉल्व कर देंगे, है ना। तो तोड़ दो ना इस सूत्र पे, हमें ही करना पड़ेगा क्या, कभी कभी थक जाते रहते, पानी नहीं है ना इसकी वजह से बेचैन हो गए हम अभी। a माइनस बी है, a प्लस बी है, मतलब थ्री वाई आ प्लस के फाइव जेड रखेंगे, हमने रख दिया, इंटू में ए स्क्वायर, ए के जगह पे थ्री वाई स्क्वायर, मतलब थ्री वाई स्क्वायर को डायरेक्ट लिखो तीन तिहाई नाइन वाई स्क्वायर हमने कर दिया, माइनस के ए बी, मतलब माइनस के ए बी है, मतलब ए है थ्री वाई और बी है जेड फाइव जेड, तो दोनों में गुना करो तो पांच तिहाई पंद्रह वाई जेड हो जाएगा, क्लियर वाई जेड, तो ये हमारे पास आ गया। अब क्या करेंगे सर, प्लस के बी स्क्वायर है, तो बी के जगह पे कितना है सर, बी के जगह पे फाइव जेड है, बी के जगह पे फाइव जेड है, तो बी स्क्वायर यानी फाइव जेड का स्क्वायर, मतलब डायरेक्ट लिख दो पच्चीस जेड स्क्वायर, लो ये हमारे पास आ गया। तो सर यही तो आंसर हो गया, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत जुड़ने उड़ने वाला है नहीं, तो लो आंसर यही होगा, ये हमने सॉल्व कर दिया। उसी तरीके से इसको भी सॉल्व कर लो, है ना। इसको सॉल्व करोगे तो मैं आपको बताता हूँ कैसे सॉल्व कर सकते हो सर। चौंसठ है तो इसको लिखना, चौंसठ है ना, तो चार लिखेंगे, चार एम के पावर तीन हो जाएगा, है ना। माइनस ये है 343, कितना से गुना करेंगे, सात से गुना करेंगे क्या, सात सत्ते उनचास, उनचास में सात से गुना करेंगे, नौ सत्ते तिरसठ के तीन हासिल हो जाएगा छः, सात सात चौक अट्ठाईस, अट्ठाईस आ छः कितना हो जाएगा चौंतीस, तो 343 आ जाएगा, मतलब छः सात हुआ, सात एन के पावर तीन कर दो तो ए क्यू माइनस बी क्यू पे जाएगा। तो मेरे भाई ए क्यू माइनस बी क्यू क्या होता है, तो यहाँ पे लिख देते हैं ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर होता है ए माइनस के बी इंटू ए स्क्वायर प्लस के ए बी और प्लस के बी क्यू, बी स्क्वायर सॉरी बी स्क्वायर, इसी पे आपको तोड़ना है। तो आइए उस पर हम पुट कर देते हैं सर, कैसे लिखेंगे, ए माइनस बी मतलब चार एम माइनस के बी के जगह पे सात एन हमने लिख दिया, इंटू ए स्क्वायर, ए के जगह पे कितना है चार एम है, तो चार एम का स्क्वायर करेंगे तो कितना, चार चौके सोलह एम स्क्वायर हो जाएगा, है ना। प्लस के ए बी है तो प्लस के ए बी, ए बी है तो हम क्या करेंगे, ए ए बी है, है ना, ए है चार एम और बी है सात एन, दोनों को गुना करेंगे तो सात चौक अट्ठाईस कितना हो जाएगा, अट्ठाईस एम एन, है ना, ये हो जाएगा, डाइट कर रहे हैं आप, प्लस के बी स्क्वायर मतलब सात एन का स्क्वायर करेंगे तो सात एन का स्क्वायर करेंगे तो सात सते तरीके आ जा, बी स्क्वायर सात एन का स्क्वायर मतलब प्लस के हो जाएगा उनचास एन स्क्वायर, यही हमारे पास आंसर निकल करके आ गया, राइट। तो आपने समझ लिया, हमने 10 तक के क्वेश्चन को सॉल्व किया, इससे आगे आगे वाली वीडियो में मिलेंगे, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, लव यू, बाय, धन्यवाद। अगर ऑनलाइन टेस्ट देना चाहते हैं तो गूगल में सर्च कर लीजिएगा पंकज स्टडी सेंटर.com, वहाँ पर जाकर के ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।